हेलो गाइज, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश, आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है संडे, जुलाई 29, 2018। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यह है हेल्थ केयर लेवल वन, मतलब स्वास्थ्य देखभाल लेवल वन, स्तर वन। ठीक है, जनरली टॉपिक किस चीज़ पे लिखा है मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन आप टॉपिक पढ़ते वक्त समझिएगा। ये टॉपिक है जैसे आयुष्मान भारत गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चला रही है, तो उसमें उसने क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए हैं, क्या क्या चीज़ें सुधार की हैं, उसके लिए क्या हमारी नीड्स बनेंगी, आखिर स्टेट्स उसमें कैसे योगदान दे पाएंगे, उनको क्या फ्रीडम होगी, क्या उन सब कुछ केंद्र निर्धारित करेगा या फिर राज्यों का कुछ योगदान होगा उसमें, है ना। और किस स्तर तक ये इसका मतलब टारगेट क्या है कि कितने लोगों को मतलब बेनिफिट देना, या फिर किस हिसाब से कितने हेल्थ वेयर सेंटर्स क्या आखिर क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें जानने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है, इसलिए इसे लास्ट तक आप पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से इसके बारे में जान पाएंगे। ये राजीव आहूजा ने लिखा है, तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, कितना अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, इट इज़ एन एक्साइटिंग टाइम, ये बड़े ही रोमांचकारी या फिर कहें उत्तेजनापूर्ण समय है जिसमें बड़े ही उत्तेजना की आवश्यकता है, बड़ा ही एक्साइटिंग मूवमेंट है। फॉर किसके लिए, द इंडियन हेल्थ सेक्टर, भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए, एंड फॉर गुड रीज़न, और अच्छे कारण से। मतलब एक्साइटिंग टाइम है तो उसका रीज़न भी बहुत अच्छा है, और किसके लिए एक्साइटिंग टाइम है, ये है फॉर द इंडियन हेल्थ सेक्टर, इंडियन हेल्थ सेक्टर्स के लिए। ठीक है, वन, अब इसके लिए कौन कौन, फॉर गुड रीज़न, अच्छे रीजन्स के कारण है, अच्छे कारणों से है, मतलब एक्साइटिंग टाइम। तो कौन से रीजन्स हैं, तो ये बता रहे हैं। पहला वन रीज़न क्या है, देयर इज़ ए स्ट्रांग पॉलिटिकल कमिटमेंट, देयर इज़ अ स्ट्रांग पॉलिटिकल कमिटमेंट, यहाँ एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक वचनबद्धता है। ठीक है, स्ट्रांग पॉलिटिकल कमिटमेंट, बहुत ही मजबूत राजनीतिक बद्धता है, वचनबद्धता है। टू किसके लिए, वो आगे लिखेंगे, एंड और डायनेमिक लीडरशिप, और बड़ी ही तेज तर्रार लीडरशिप नेतृत्व है इन, किस चीज़ में है वो भी लिख रहे हैं आगे, द हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में दो कॉमा के बाद ये पर्टिकुलर नाउन डाल रहे हैं, ये प्रीपोजिशन भी इसी नाउन से कनेक्ट होने वाला है, और ये प्रीपोजिशन भी इन इस नाउन से। अब आप गलत अलग अलग मीनिंग इसका पढ़ लीजिए तब आपको समझ में आएगा। एक तेज राजनीतिक वचनबद्धता है हेल्थ सेक्टर के प्रति, बिल्कुल सही बात, क्यों, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट पहले से ही वादा कर रही है कि हम सबको ग्रामीण क्षेत्रों तक भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, और बहुत ही अच्छे पैमाने पर। तो ये उनकी एक राजनीतिक वचनबद्धता तो है ही। ठीक है, तो पॉलिटिकल कमिटमेंट टू हेल्थ सेक्टर। अब दूसरा पढ़ें, डायनेमिक लीडरशिप, यस, लीडरशिप भी बहुत तगड़ी है, जो मोदी जी की लीडरशिप है, नेतृत्व नेतृत्व है हेल्थ सेक्टर में, जिस हिसाब से वो नेतृत्व कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो ध्यान दे रहे हैं, वो भी बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो डायनेमिक लीडरशिप भी है इन हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में एक तो राजनीतिक वचनबद्धता बहुत मजबूत है, और एक डायनेमिक लीडरशिप भी है इस स्वास्थ्य क्षेत्र में। ठीक है, ये पहला रीज़न है। अब यहाँ पर ये मीनिंग तो आपने समझ लिया कि दो कौन कौन से कारण हैं, पहले रीज़न में दो रीज़न है, वचनबद्धता और लीडरशिप। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति। अब यहाँ ग्रामर पॉइंट आप समझेंगे, कमिटमेंट टू हेल्थ सेक्टर, लीडरशिप इन हेल्थ सेक्टर, दो नाउन है और दोनों ही अपने खुद के प्रीपोजिशन रखते हैं, कमिटमेंट कमिटमेंट टू समथिंग होता है, तो इसलिए प्रीपोजिशन टू आया, लीडरशिप इन समथिंग, किसी चीज़ में नेतृत्व क्षमता होना, तो लीडरशिप के लिए प्रीपोजिशन इन आता है। तो यहाँ पर रीज़न ये है कि अगर ये टू प्रीपोजिशन यहाँ गायब कर देता और यहाँ पे सिर्फ इन प्रीपोजिशन लिखता, इन हेल्थ सेक्टर लिख देता, तो जानते इसका मतलब क्या होता, आपने एंड से कमिटमेंट और लीडरशिप दो नाउंस को कनेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इन प्रीपोजिशन सिर्फ लास्ट में रखते तो इसका मतलब होता कि ये इन प्रीपोजिशन सिर्फ लीडरशिप में ही नहीं, कमिटमेंट में भी कॉमन है, और क्या कमिटमेंट का प्रीपोजिशन इन होता, नहीं होता। मतलब कहने का, कमिटमेंट और लीडरशिप जब वो पर्टिकुलर, ये दोनों ऐसे नाउन हैं जो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन से किसी और नाउन से जुड़ रहे हैं ना, इनका खुद का अपना अपना प्रीपोजिशन है, तो इनको एंड से जोड़ते वक्त दिया ध्यान देंगे कि इनका प्रीपोजिशन इनके साथ बैठा दें, क्योंकि अलग अलग प्रीपोजिशन से ये हैं, और डायरेक्ट अगर किसी नाउन से बैठाते हो तो अगर एक प्रीपोजिशन बैठाओगे तो वो दोनों में कॉमन हो जाएगा, जो कि गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए अपना खुद का प्रीपोजिशन टू, और इसके लिए
करेंगे अपना खुद का प्रिपरेशन इन। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया भी था, जिन लोग जो लोग पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं मतलब प्रैक्टिस सेट जो देख रहे हैं उनके लिए उनको याद भी आ जाएगा क्वेश्चन। उसमें क्या था कि हैज़ और विल दो हेल्पिंग वर्ब बैठी हुई थी और वहाँ पर विल के बाद हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो वहाँ पर हमने किया क्या था, हमने हैज़ के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और विल के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो एंड से जोड़ दिया, वो तो सही था, लेकिन लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाला जो कि हैज़ के लिए भी कॉमन माना जाएगा क्योंकि हैज़ के साथ कोई वर्ब की फॉर्म नहीं थी, तो वहाँ पर हमें हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए डालना पड़ा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल के साथ तो सेटिस्फाई होती थी बट हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए जो कि वो कॉमन होने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी वहाँ पर, जो कि गलत माना जाता है, इसलिए हमें सेपरेट वर्ब की फॉर्म डालनी पड़ी। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि सेम प्रीपोजिशन दोनों जगह मैच नहीं करेगा अगर लास्ट में लिख दोगे, तो इसीलिए हमें सेपरेट प्रीपोजिशन दोनों नाउंस के लिए लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का अपना पर्टिकुलर प्रीपोजिशन है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा रीजन क्या था वो जानिए, दूसरा था द गवर्नमेंट इज थिंकिंग बिग, सरकार कुछ बड़ा सोच रही है, इवन एज उसी समय, इवन एज होता है उसी समय जिस समय, इट इज टेकिंग, ये ले रही है ए हॉलिस्टिक व्यू, एक बहुत ही बड़ा नज़रिया ऑफ द सेक्टर, इस क्षेत्र के मतलब, और द सेक्टर किस लिए आया, सिंगुलर है भाई, तो आ सेक्टर या फिर और कुछ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या द सेक्टर इसलिए क्योंकि पर्टिकुलर कौन सा सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर का बहुत बड़ा नज़रिया जिस समय ये लिए हुए है उसी समय ये कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रही है सरकार, ठीक है। इवन एज एट द सेम टाइम, जस्ट जब मतलब उसी समय जिस समय आप कोई काम कर रहे हो उसी समय एक साथ, ठीक है। तीसरा इन्होंने कारण क्या कहा है, तीसरा रीजन ये है, द गवर्नमेंट इज नॉट शाइंग अवे फ्रॉम टेकिंग सम टफ डिसीजन, शाई अवे फ्रॉम डूइंग समथिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है फिल द ब्लैंक्स में, तो प्लीज़ इसे फोकस करेंगे आप, है ना, और हो सकता है फिर आ जाए। तो थ्री द तीसरा रीजन था कि सरकार क्या कर रही है, शाई अवे फ्रॉम, शाई माने होता है शर्माना, लेकिन शाई अवे फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब किसी चीज़ से बचना, अवॉइड डूइंग समथिंग, ठीक है। तो सरकार क्या कर रही है, बच रही है, टेक गवर्नमेंट इज नॉट शाइंग मतलब नहीं बच रही है, नॉट अवॉइडिंग नहीं अवॉइड कर रही है, सम टफ डिसीजन किसी भी प्रकार के कुछ कड़े निर्णय, मतलब कड़े निर्णय लेने से भी सरकार नहीं बच रही है, मतलब वो कड़े निर्णय लेने को भी तैयार है, वेदर इट इज़ डीलिंग विथ प्राइवेट प्लेयर्स, चाहे वो निजी प्लेयर्स, निजी खिलाड़ी मतलब निजी जो हॉस्पिटल से उनकी बात करें, निजी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करें, चाहे उनसे निपटने की हो, और विथ प्रोफेशनल बॉडीज या फिर व्यावसायिक संस्थानों से लड़ने की बात हो या निपटने की बात हो, इन द सेक्टर मतलब कहने का द सेक्टर मतलब वही हेल्थ सेक्टर में, चाहे हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स से निपटने की बात करो, डील करने की बात हो, चाहे फिर प्रोफेशनल बॉडीज जो व्यावसायिक संस्थान हैं उनसे निपटने की बात करें, दोनों के ही प्रति ये क्या है, टफ डिसीजन लेने को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर रही है, मतलब टफ डिसीजन लेने को तैयार है, ठीक है। तो वेदर दिस और दिस, तो वेदर के बाद और कंजंक्शन आता है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। वेदर के बाद एंड डाल देता है जो कि गलत माना जाता है, वेदर दिस और दिस, तो इस हिसाब से और कंजंक्शन वेदर का कपलिंग कंजंक्शन माना जाएगा, जैसे नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, इसी तरह वेदर के बाद और ध्यान दीजिएगा, ये काम आएगा आपके, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज में, फाइनली अंतिम रूप से, द गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट सेवरल स्कीम्स प्रोग्राम्स एंड हैज़ सेट एम्बिशियस टारगेट्स, फाइनली अंतिम रूप से सरकार ने रोल आउट लागू कर दिया है सेवरल स्कीम्स, कई सारी योजनाएं, प्रोग्राम्स, कार्यक्रम, कई सारे कार्यक्रम और योजनाएं इन्होंने क्या की हैं, रोल आउट की हैं, लागू की हैं, घोषणा कर दी है उनकी, ठीक है। एंड हैज़ सेट, और हैज़ किसके लिए आया, फिर से वही गवर्नमेंट के लिए आया, गवर्नमेंट हैज़ डन दिस एंड गवर्नमेंट हैज़ डन दिस, तो सेट का फॉर्म सेम होता है, तो गवर्नमेंट हैज़ सेट, सरकार ने तय किए हैं एम्बिशियस टारगेट्स मतलब बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य। अब एम्बिशियस क्या होता है, एम्बिशियस होता है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला हो, ठीक है, जिसमें आपकी सारी आकांक्षाएं जितनी भी आपकी इच्छाएं वो शामिल हों, उसे कहते हैं महत्वाकांक्षी, बहुत ही ज़्यादा आकांक्षाओं वाला, टारगेट माने लक्ष्य, अपने सब उसने अपने जितने भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं उनको भी निर्धारित कर लिया है और योजनाएं भी लागू कर दें, सेवरल स्कीम्स मतलब कई योजनाएं, मैनी स्कीम्स होता मतलब बहुत ज़्यादा योजना है, लेकिन सेवरल स्कीम्स मतलब कई योजनाएं, ठीक है। तो कई और बहुत सारे में दोनों में अंतर होता है, आप समझ पाएंगे, सेवरल थोड़ा कम का सेंस देता है, मैनी कुछ ज़्यादा का सेंस देता है, और ये भी ध्यान देना है सेवरल और मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर नहीं आता, मैनी के बाद अगर आर्टिकल ए आता है तो ये वहाँ पर फिर सिंगुलर आता है, मैनी अब बॉय होता है फिर, है बॉयज नहीं होगा, लेकिन मैनी के बाद डायरेक्ट अगर नाउन आ रहा है बिना आर्टिकल के तो निश्चित रूप से प्लूरल आएगा, इसी तरह सेवरल के बाद तो कोई चांस ही नहीं होता, यहाँ तो हमेशा प्लूरल ही आता है, सेवरल स्कीम्स
रिव्यूज, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। आगे पढ़ते हैं, ऑफ ऑल द हेल्थ प्रोग्राम्स, सभी स्वास्थ्य योजनाओं में, सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत इज है इनआर्ग्यूएबली, बिना किसी आर्ग्यू के, बिना किसी तर्क के हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि स्वास्थ्य भारत क्या है, द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, एंड बोल्डेस्ट, बोल्डेस्ट बोल्ड माने होता है साहसी, है ना, जो बड़ा ही दिखावापूर्ण हो, जो कि दिखाई दे, इजिली नोटिसिएबल, बड़ा ही बोल्डेस्ट मतलब बहुत ही साहसी इनिशिएटिव, कदम है या पहल है, ठीक है, मतलब आयुष्मान भारत एक बहुत ही साहसी और बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत ही बड़ी पहल है, ऑफ ऑल द हेल्थ प्रोग्राम्स, सभी हेल्थ प्रोग्राम्स में, है ना, तो बिगेस्ट, अभी ऑफ ऑल जो लिखा है इसको पीछे लगा दीजिए, जैसे कि बिगेस्ट ऑफ द ऑल प्रोग्राम्स, सभी प्रोग्राम्स में से बिगेस्ट, सुपरलेटिव में होता ही है ऐसे, अगर ऑल द अदर करता तो गलत हो जाता, ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रीपोजिशन से इतना चीज़ जो है ऑब्जेक्ट ये किस में से बिगेस्ट है वो चीज़ इन्होंने पहले लिख दिया, तो कन्फ्यूज नहीं होना, इसको आप उठा करके इनिशियल के बाद चिपका दीजिए, आयुष्मान भारत इज इनआर्ग्यूएबली बिगेस्ट एंड द बिगेस्ट एंड बोल्डेस्ट इनिशिएटिव ऑफ ऑल द हेल्थ प्रोग्राम्स, और यही इसी तरह हम ट्रांसलेशन किया भी करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आयुष्मान भारत तो एक योजना है, तो आर्टिकल द भी सुपरलेटिव डिग्री में एक क्यों पहले आया है, और ये दोनों में कॉमन, अगर यहां पर भी द बिगेस्ट एंड द बोल्डेस्ट लिख देते तो आयुष्मान भारत बिगेस्ट एक अलग चीज हो गई और बोल्डेस्ट अलग, तो दो का सेंस देता जो कि गलत है, क्योंकि आयुष्मान भारत एक सिंगल है, ठीक है, इसीलिए आर्टिकल द एक में आया है, अगर दोनों में अलग अलग लगाए थे तो मींस कहने का कि बिगेस्ट किसी और के लिए आया और बोल्डेस्ट किसी और के लिए आया, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, अदरवाइज वो गलत माना जाता है, तो आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री तो बनाइए लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक के पहले लगाएंगे तभी वो एक समझा जाएगा, ठीक है, तो आयुष्मान भारत बिगेस्ट भी है और बोल्डेस्ट इनिशिएटिव भी है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, इट डील्स विथ स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब इट डील्स विथ, इसका ये डील करता है या फिर इसका लक्ष्य क्या है, स्ट्रेंथनिंग मजबूत करना द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र इस प्रणाली या तंत्र को मतलब मजबूत करना, पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन रूरल एरियाज, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाली जो प्रणालियां हैं उनको मजबूत करना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एज वेल एज, और उसके साथ मेकिंग द हॉस्पिटल केयर और मतलब अस्पताल की देख रेख को क्या बनाना, एक्सेसिबल टू पुअर, गरीबों तक पहुँचने योग्य बनाना, मेक द हॉस्पिटल केयर एक्सेसिबल टू पुअर, मतलब गरीबों तक पहुंचने योग्य बनाना क्या, हॉस्पिटल की केयर को, हॉस्पिटल की देखभाल करना, है ना, हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उनको गरीबों तक पहुंचने योग्य बनाना, बाय प्रोवाइडिंग, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट होता है अस्पताल के ट्रीटमेंट में खर्चे के में, मतलब मींस कहने का अस्पताल के ट्रीटमेंट में जो खर्चा हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट होती है उसमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुए गरीबों को मतलब कहने का हॉस्पिटल केयर तक गरीबों की पहुंच बनाना, ठीक है, और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक हेल्थ केयर सिस्टम को और मजबूत करना ग्रामीण क्षेत्रों में, ये क्या है, इट डील्स विथ, इस आयुष्मान भारत का डील्स है या इसकी मतलब इसको इससे निपटना है या फिर आप कह सकते हो इसका ये लक्ष्य है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, एक्सेसिबल टू समथिंग होता है किसी चीज़ तक पहुंच बनाना, तो एक्सेसिबल का प्रीपोजिशन टू ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी केयर, प्राथमिक देखभाल को मजबूत करना, अब इसमें इन्होंने क्या कहा, प्राथमिक देखभाल को कहाँ मजबूत करना, रूरल एरियाज में, इन्होंने कहा ना यहाँ पर रूरल एरियाज में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को क्या करना, मजबूत करना, तो वही कह रहे हैं कि स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी केयर, अब आखिर प्राइमरी केयर में मजबूत करने में है क्या, तो इन अ फर्स्ट, सबसे पहले द पब्लिक सिस्टम ऑफ डिलीवरिंग प्राइमरी केयर, जो हमारा जन प्रणाली है डिलीवरिंग प्राइमरी केयर, प्राथमिक देखभाल प्रदान करने वाली, इज़ बीइंग रीडिजाइंड, इज़ बीइंग मतलब किया जा रहा है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस है, ठीक है, इज़ बीइंग रीडिजाइंड, इसको फिर से डिज़ाइन किया जा रहा है, नियोजित किया जा रहा है इन अ मेजर वे, बड़े ढंग से, मतलब जो हमारा पब्लिक सिस्टम है, जो स्वास्थ्य मतलब कहने का स्वास्थ्य की देखभाल प्रदान करने वाला, उसको फिर से नियोजित किया जा रहा है बड़े व्यापक ढंग से, द हेल्थ फैसिलिटीज़, और जो स्वास्थ्य की सेवाएँ हैं एट द लोवेस्ट लेवल, निचले स्तर पर, जैसे हेल्थ सब सेंटर, छोटे छोटे सब सेंटर्स पे, तो वो क्या है, दैट करेंटली प्रोवाइड, जो कि वर्तमान रूप से उपलब्ध आती हैं, ओनली सिलेक्टिव केयर, कुछ ही देखभाल,
मतलब कहने का, जैसे कहीं ब्लड टेस्ट की सुविधा नहीं है तो कहेंगे यार वहाँ उस हॉस्पिटल में चले जाओ, है ना। तो बहुत ही सिलेक्टिव केयर उपलब्ध करा पाती है, चुनिंदा चीज़ें, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो गया या कोई चीज़ है तो पता लगा कि को और कहीं भेजना पड़े, बस बड़े अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में जाना पड़े, तो ये नौबत आ जाती है, ठीक है। तो हेल्थ से फैसिलिटीज़ जो कि मतलब कहने का लोवेस्ट लेवल पे हैं, जो कि इस समय क्या कर रही हैं, करेंटली प्रोवाइड, जो वर्तमान समय में उपलब्ध कराती हैं, केवल सिलेक्टिव केयर और केवल चुनिंदा देखभाल उपलब्ध कराती हैं, आर बींग कन्वर्टेड, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ और वेलनेस सेंटर में, HWC जी ने उन्होंने शॉर्ट में कहा है, किस लिए, टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर। कॉम्प्रिहेंसिव होता है व्यापक स्तर की, जिसमें सब कुछ का समावेश हो, ठीक है। समावेशी प्राइमरी केयर मतलब प्राथमिक देखभाल, समावेशी प्राथमिक देखभाल का मतलब है जिसमें हर प्रकार की सुविधा हो, समावेशी मतलब सारी सुविधाओं को समावेश करने वाला, ठीक है। तो पूरा मीनिंग आप देखेंगे, तो स्वास्थ्य सेवाएं जो कि निचले स्तर पर हैं, जैसे हेल्थ सब सेंटर्स पे, आर बीइंग कन्वर्टेड, इनको कन्वर्ट किया जा रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, ठीक है। हेल्थ सब सेंटर्स को, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को, वे सेंटर्स पे कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि उपलब्ध कराया जा सके व्यापक रूप से प्राइमरी केयर, ठीक है। और अभी तक हेल्थ सब सेंटर्स में होता क्या था, दैट करेंटली प्रोवाइड, जो कि वर्तमान समय में कुछ चुनिंदा देखभाल ही प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। अंडर द गवर्नमेंट्स प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप क्या होता है, द फर्स्ट डिजाइन इनिशिएटिव, जो पहली बार डिजाइन किया गया, जो सबसे अच्छा डिजाइन किया गया, जिसको देख करके बाकी सब लोग कॉपी करें, ठीक है। तो अंडर द गवर्नमेंट्स प्रोटोटाइप, गवर्नमेंट के इस फर्स्ट डिजाइन इनिशिएटिव से, ईच हेल्थ वेल सेंटर इज टू बी ऑपरेटेड, हर हेल्थ वेल सेंटर को क्या किया जाना है, इज टू बी ऑपरेटेड, उसको संचालित किया जाना है बाय अ वेल ट्रेंड, एक अच्छे से ट्रेंड मिड लेवल मध्यम स्तर के हेल्थ प्रोवाइडर, मतलब स्वास्थ्य प्रदाता, जिसके चाहे वो नर्स प्रैक्टिशनर हो या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का अधिकारी हो, इनके द्वारा, ये तो एक वेल ट्रेंड और मिड लेवल का हेल्थ प्रोवाइडर होगा, उसके द्वारा हर हेल्थ वेल सेंटर को क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, संचालित किया जाएगा, ठीक है। और ये ऑफिसर होगा कैसा, हु विल बी सपोर्टेड बाय ईच डब्ल्यू इज ऑपरेटेड बाय वेल ट्रेंड प्रोवाइडर। अब ये हेल्थ प्रोवाइडर होगा कैसा, हु विल बी सपोर्टेड, जिसको सपोर्ट किया जाएगा बाय अ टीम ऑफ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, एक फ्रंट लाइन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्थ वर्कर्स की एक टीम के द्वारा जिस प्रोवाइडर को सपोर्ट किया जाएगा। तो प्रोवाइडर के लिए इन्होंने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन डाल के पूरी पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लास डाला है, कैसे, प्रोवाइडर हु विल बी सपोर्टेड, जिसको सपोर्ट किया जाएगा, समर्थन दिया जाएगा या फिर सहायता दी जाएगी बाय अ टीम ऑफ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कर्मचारियों के टीम के द्वारा, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए एन एक्सपेंडेड पैकेज, मतलब एक बड़े मात्रा में पैकेज, मतलब ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का एक पैकेज, मतलब पूरा गुच्छा आप समझ सकते हैं, सेवाओं का पूरा कलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज सेट अ डेडलाइन, डेडलाइन होता है लास्ट डेट, ठीक है। आप डेडलाइन यूज करिए अपने डेली यूज में, जैसे फॉर्म की डेट आ गई तो आप ये ना पता कहिए कि लास्ट डेट कब है, आप कहिए डेडलाइन क्या है, क्योंकि आपके प्रैक्टिस में आएगा वो, तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर प्रैक्टिस में नहीं है चीज़ें तो मिस हो जाती हैं, ठीक है, चाहे आपको जितनी इंग्लिश आती हो, चाहे आप जितना पढ़ते हो। द गवर्नमेंट हैज सेट अ डेडलाइन, सरकार ने निर्धारित की है अ डेडलाइन, एक अंतिम तारीख, ऑफ कन्वर्टिंग नियरली 1.5 लाख सब सेंटर्स टू हेल्थ वेल सेंटर बाय 2022। मीन्स कहने का, सरकार ने एक अंतिम तारीख तय की है, लगभग 1.5 लाख सब सेंटर्स को हेल्थ वेल हैंड हैंड वेल वेल सेंटर्स में कन्वर्ट करने की बाय 2022, 2022 तक लगभग 1.5 लाख सब सेंटर्स को हेल्थ वेल सेंटर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ऐसा इन्होंने अंतिम तारीख के रूप में 2022 को रखा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ये आयुष्मान भारत के तहत है ये सब चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक दूसरा हेल्थ इंश्योर नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, दो मतलब कहने का इसके स्टेप्स हैं, एक तो आपका हेल्थ वेल सेंटर्स को क्रिएट करना, और दूसरा है कि मतलब एक इंश्योरेंस देगी वो हर फैमिली को, 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस होगा, जो कि पहले लगभग के 30,000 के आसपास था, अब वो कितना होगा, अब वो लगभग 5 लाख के आसपास हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट आयुष्मान भारत के तहत शुरू करने जा रही है। द स्कीम इज नॉट ओनली टू बी इम्प्लीमेंटेड बट ऑल्सो को फाउंडेड बाय स्टेट्स, सर जो योजना है नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेड, ना सिर्फ इसे लागू किया जाना है, बट ऑल्सो बल्कि को फंडेड, को फंडेड मतलब साथ में इसके लिए
धन भी दिया जाना है बाय स्टेट्स, राज्यों के द्वारा। मतलब ना सिर्फ इसको राज्यों के द्वारा लागू किया जाएगा, बल्कि इसको क्या, इसको फंड भी दिया जा रहा है राज्यों के द्वारा। मतलब सिर्फ केंद्र का ही योगदान नहीं है, राज्य भी इसमें भागीदारी लेंगे। सो दैट, ताकि दे हैव अ स्टेक इन इट, इनका दे मतलब कौन, स्टेट्स, स्टेट्स हैव अ स्टेक इन इट। इसमें ये जो आयुष्मान भारत योजना है, ये स्कीम है, इसमें क्या हो, एक स्टेक, स्टेक माने होता है दांव या फिर शेयर, ठीक है, हिस्सा, ताकि इनका भी एक शेयर हो। ईच स्टेट, हर राज्य इज एक्सपेक्टेड, उससे उम्मीद की जाती है टू डेवलप इट्स ओन रोड मैप, कि वो अपना खुद का रोड मैप तैयार कर। रोड मैप मतलब होता खाका, जिस आधार पर किसी भी स्कीम को, किसी भी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने की योजना बनाते हैं, उसे हम रोड मैप कहते हैं, ठीक है। रोड मैप मतलब होता है रूपरेखा, ठीक है। तो हर राज्य जो है, इससे उम्मीद की जाती है कि वो डेवलप करेगा इट्स ओन रोड मैप, आपका अपना खुद का खाका तैयार करेगा। देयर इज नो प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन प्री और एजम्पशन मिलकर के प्रिजम्पशन बनाए, ठीक है। प्री मतलब पूर्व का, एजम्पशन मतलब पहले से ही अनुमान, है ना, ऐसा अवधारणा, ऐसा पॉसिबिलिटी लगा लेना। तो यहाँ पर कोई भी प्रिजम्पशन नहीं है, मैं आपको पहले ही बताया था, नेगेटिव एडवर्ब नो, नो मतलब होता है नॉट एनी, कभी भी नो के साथ एनी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लिखो नो एनी प्रिजम्पशन तो गलत हो जाएगा, नॉट एनी लिखिए या फिर नो लिखिए, क्योंकि नो इक्वल टू नॉट एनी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको। देयर इज नो प्रिजम्पशन, कोई भी ऐसा पूर्वानुमान नहीं है, पहले से कोई परिकल्पना नहीं है, दैट की द सेंटर इज प्रोटोटाइप, जो सेंटर का डिजाइन है, इज सुटेबल, उचित है फॉर ऑल कॉन्टेक्स्ट, सभी के सभी प्रसंगों के लिए। ऐसी कोई पूर्व अवधारणा नहीं है कि केंद्र का ही, जो केंद्र ने जो डिजाइन बना रखा है वही हर स्टेट लागू करेगा, या हर हर स्टेट के लिए वही सही होगा। हर स्टेट से उम्मीद की जाती है कि वो अपना खुद का रोड मैप तैयार करे। अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द केरला गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट जो हैज़ डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया है अगेंस्ट कन्वर्टिंग सब सेंटर्स इंटू SWC हेल्थ वेल सेंटर। उसने खिलाफ निर्णय लिया है किसके, सब सेंटर को SWC हेल्थ वेल सेंटर में कन्वर्ट करने के खिलाफ। मतलब वो नहीं चाहती सब सेंटर्स को हेल्थ वेल के सेंटर में कन्वर्ट करना। गिवन गिवन यदि देखा जाए तो, या फिर इफ़ वी कंसीडर, यदि हम देखें तो, द हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ऑफ इट्स पीपल, अगर वहाँ के हेल्थ सीकिंग मतलब स्वास्थ्य की देखभाल की मांग करने वाले, सीक करने वाले बिहेवियर, उनका आदत को देखें वहाँ के लोगों की, अगर हम वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य की मांग करने वाली आदतों को देखें, तो ऐसा लगता नहीं है कि हेल्थ सब सेंटर्स जो है उनको हेल्थ वेल सेंटर्स में कन्वर्ट करने का, क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने मतलब अपोज में निर्णय लिया, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा, ऐसा कुछ नहीं लगता, ठीक है। इंस्टीड इसके बदले इट हैज़ डिसाइडेड, इट मतलब केरला गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने का कॉम्प्रिहेंसिव समावेशी। अब आगे पेज में पढ़ लेते हैं, इंस्टीट्यूट इसके बदले में, मतलब वो तो हेल्थ वेल सेंटर में कन्वर्ट नहीं करना चाहती अपने सारे सब सेंटर्स को, लेकिन अब इसके बदले में इन्होंने किया क्या, इसके बदले इट यानी केरला गवर्नमेंट ने हैज़ डिसाइडेड, निर्णय लिया है टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने का कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समावेशी प्राइमरी केयर सर्विस, मतलब क्या है, प्राथमिक देखभाल सुविधा, ठीक है। इसके बदले इसने प्राथमिक देखभाल सुविधा समावेशी रूप से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है एट द लेवल ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब कहने का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे उसने सोचा, मतलब कहने का केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो अपने सब सेंटर्स को कन्वर्ट नहीं करना चाहती हेल्थ वेल सेंटर्स में, बल्कि उसने क्या कहा है, उसने ये इसने ये निर्णय लिया है कि मैं समावेशी प्राइमरी केयर सर्विसेज सारी कहाँ पर उपलब्ध कराऊंगी, एट द लेवल ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, छोटे छोटे अस्पताल होते हैं, वहाँ पर वो सारी सुविधाएँ कॉम्प्रिहेंसिव रूप से उपलब्ध कराएगी, ये केरला गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो ऐसे ही हर गवर्नमेंट अपना पर्टिकुलर मतलब डिसीजन ले करके और पर्टिकुलर निर्णय मतलब पर्टिकुलर रोड मैप बना सकती है, ठीक है। कोई जरूरत तो नहीं है उनको कि वो सबका मतलब कहने का केंद्र का ही पूरा डिज़ाइन प्रोटोटाइप फॉलो करे, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट सबके लिए नहीं है, सबको अपना अपना रोड मैप बनाने का मतलब कहने का एक फ्रीडम है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, स्टेट्स नीड टू इंश्योर, राज्यों को नीड आवश्यकता है टू इंश्योर, सुनिश्चित करने की, दैट की डिसीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान जो निर्णय है आर मेड ऑन प्रोफेशनल कंसिडरेशन, वो किसके आधार पर किए जाएं, ऑन प्रोफेशनल कंसिडरेशन, व्यावसायिक समझ के आधार पर किए जाएं, अलोन अकेले, केवल और केवल व्यावसायिक समझ के आधार पर किए जाएं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, पहली बात तो नीड के बारे में आप जानिए, नीड क्या होता है, एक बार मॉडल भी होता है, और एक तरफ ये आपका हेल्पिंग वर्ब वो उस तरह मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है। कब आप पहचानेंगे कि मॉडल है, कब आप पहचानेंगे कि नहीं होगा, जब भी मॉडल होता है तो नीड मॉडल नहीं होता, नीड नॉट होता है, ठीक है, और उसके साथ टू नहीं आता, कभी भी मॉडल के साथ टू नहीं आता, तो नीड नहीं होगा अकेले, नीड नॉट होगा तब मॉडल माना जाएगा,
और साथ में नीड नॉट जब होगा तो टू नहीं आएगा। नीड के बाद टू आता है तो समझिए कि ये मॉडल नहीं है, ये क्या है, ये आपकी जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस देगा ये, ठीक है। नीडेड है तब तो आप डिटेक्ट कर ही लोगे कि पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन अगर नीड होता है तो फिर आपको समझना पड़ता है कि मॉडल है कि क्या है। तो ये मॉडल नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है क्योंकि आर्टिकल वो प्रीपोजिशन टू बैठा है इसके बाद, और नॉट भी नहीं है, नीड नॉट मॉडल होता है ना कि आपका नीड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। स्टेट को ये आवश्यकता है कि सुनिश्चित करें निर्णय, अब देखिए डिसीजंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान, तो ये पूरा कौन से निर्णय, प्रक्रिया के दौरान, और तो अब ये डिसीजंस जो हैं इसके लिए आ रहा है, कैसे निर्णय जो कि प्रक्रिया के दौरान लिए गए हैं, कौन सी प्रक्रिया, ये पूरी हेल्थ सर्विस की प्रक्रिया, आर मेड ऑन, ये किस आधार पर लिए जाए, मेड ऑन प्रोफेशनल कंसिडरेशन, मतलब व्यावसायिकता के आधार पर लिए जाए, अलॉन केवल और केवल, मतलब कहने का इसमें व्यावसायिक नज़रिए से लिए जाए, सारा काम व्यावसायिक तरीके से हो और बहुत ही और किसी का इन्फ्लुएंस ना हो। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए कैंडिडेट्स फॉर न्यूली क्रिएटेड पोस्ट, जो नई पोस्ट क्रिएट होंगी हेल्थ वेल सेंटर्स में, उनके लिए जो दावेदार हैं, प्रतियोगी हैं, शुड बी रिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट किया जाना चाहिए ऑन मेरिट, मतलब उनकी योग्यता के आधार पर, मेरिट मतलब वो मेरिट नंबर जोड़ के नहीं, मेरिट मतलब योग्यता के आधार पर, एंड नॉट ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन, ना कि राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक संकल्पना या परिकल्पना के आधार पर, ठीक है। राजनीतिक रूप से प्रभावित होकर के भर्ती नहीं करनी है कि फलाने मिनिस्टर है उसके अंतर्गत हेल्थ वेल सेंटर्स बन रहे हैं तो वो अपने लोगों को पैसा ले लेकर के या फिर और किसी तरीके से भर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग्यता के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार से डिसीजंस ऑन क्रिएटिंग न्यू हेल्थ वेल सेंटर्स, डिसीजन का प्रिपरेशन ऑन होता है, डिसीजन ऑन समथिंग, ठीक है। साथ ही जो क्रिएटिंग न्यू हेल्थ वेल सेंटर्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर हेल्थ वेल सेंटर्स को क्रिएट करने का जो निर्णय है वो क्या है, और या फिर ऑन देयर रिलोकेशन, या फिर उनके पुनर मतलब फिर से उनको दूसरी जगह लोकेट करने का निर्णय कि यहाँ पर नहीं यहाँ पर खोला जाएगा, इन दोनों बातों का निर्णय क्या है, शुड बी, यह होना चाहिए बेस्ड ऑन मेरिट अलोन, केवल और केवल योग्यता के आधार पर, मतलब कहने का कि नए हेल्थ वेल सेंटर्स को हमें क्रिएट करने का है, इसके निर्णय और उसको कहाँ लोकेट करना है, इस बात का निर्णय केवल योग्यता के आधार पर होना चाहिए, मतलब जहाँ पर सुटेबिलिटी हो वहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर मंत्री का गांव है तो वहाँ पर हेल्थ वेल सेंटर बना दिया ताकि गांव डेवलप हो जाए, ऐसा नहीं, जहाँ पर लोगों की असली आवश्यकता है वहाँ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मंत्री जी का गांव है या मंत्री जी का कोई लोकेशन है, घर है आसपास, तो अब उस जगह का उतना डेवलपमेंट है नहीं तो वहाँ का डेवलपमेंट बनाने के लिए पता लगा वहीं पर ही स्टेबल कर दिया कि सारे लोग यहाँ पर आएँ, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि पिछली गवर्नमेंट्स में शिकायत रही है कि जिस जगह के वो हैं उन्होंने वहीं का विकास किया है। द सेम लॉजिक होल्ड्स, ये ऐसा स्टेट गवर्नमेंट के मामले में मिला है और सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं पाया गया ज़्यादातर। द सेम लॉजिक होल्ड्स आल्सो, ऐसा ही लॉजिक होल्ड्स मतलब साबित होता है आल्सो भी इन द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़, प्राथमिक देखभाल की सुविधाओं में भी ऐसा ही लॉजिक दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए टू इंश्योर, सुनिश्चित करना दैट कि डॉक्टर्स आर नॉट अब्सेंट फ्रॉम हेल्थ फैसिलिटीज़, कि स्वास्थ्य सुविधाएं देने से डॉक्टर अब्सेंट ना हो। अब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग होता है, अब्सेंट फ्रॉम समथिंग, अब्सेंट का प्रीपोजिशन ध्यान रखिएगा फ्रॉम होता है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बन चुका है इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करना, मतलब सेम लॉजिक मैनेजमेंट पे भी लगता है प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़ के, और मैनेजमेंट कैसा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि डॉक्टर्स अब्सेंट ना हो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देने से ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड्स, फ्लिम्सी मतलब होता है काल्पनिक या फिर झूठा, जिस पर विश्वास न किया जा सके, ग्राउंड्स मतलब होता है कारण, रीज़न, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड मतलब आधार, मतलब झूठे आधार पर या झूठ के आधार पर या फिर फर्जी रीजन दे करके अब्सेंट ना हो हेल्थ फैसिलिटीज़ देने से, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और या फिर दैट देयर इज़ नो मिसयूज, या फिर किसी भी प्रकार का दुरुपयोग ना हो ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल, सरकारी गाड़ियों का, सरकारी वाहन का, या फिर सरकारी संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का भी किसी प्रकार के दुरुपयोग ना हो, ठीक है। जो फैसिलिटीज़ मतलब पेशेंट्स या फिर और एमरजेंसी के लिए रखी थी उसका डॉक्टर्स या और कोई व्यक्ति जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए ना करे प्रयोग, है ना। तो ये इस प्रकार से सरकारी वाहनों का, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग भी ना हो, और जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देने से किसी भी झूठे तर्क के आधार पर ना बच सके, फ्लिम्सी ग्राउंड मतलब झूठा तर्क या झूठा रीजन, ठीक है, जिस पर विश्वास न किया सके, ऐसे रीजन से ना बच सके। आगे पढ़ते हैं हम। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, द मैनेजमेंट माने प्रबंधन एंड सुपरविजन माने निगरानी, चौकसी जिसे कह सकते हैं हम, ऑफ द प्राइमरी केयर डिलीवरी सिस्टम, प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता तंत्र की,
मतलब मींस कहने का पूरा मतलब समझेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य से प्रदाता तंत्र की मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन और उसका निगरानी नीड टू बी, उसकी आवश्यकता होगी थोरोली कंप्लीटली प्रोफेशनलाइज्ड, मतलब व्यावसायिक रूप से किए जाने की। अन्य शब्दों में मतलब इन्होंने कहा कि जैसे डॉक्टर भी है वो अपनी मतलब कहने का अब झूठे रीजन ना दें स्वास्थ्य सेवाएं देने से बचे ना कि गोला मार दिया है ना, और ना ही सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया जाना चाहिए। जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भर्ती की ना बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, यानी कि राजनीतिक इन्फ्लुएंस हो जाए, जिस मंत्री को मतलब भरने का जिसके अंदर वो मंत्रालय आ गया वही मार अपने लोगों को भर डाले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए इन्होंने अन्य शब्दों में कहा है कि मैनेजमेंट और निगरानी, प्रबंधन और निगरानी जो है स्वास्थ्य केंद्रों की, वो किसके आधार पर होने की आवश्यकता है, कंप्लीट दी पूरी तरह से प्रोफेशनलाइज्ड व्यावसायिक तौर पे होने की आवश्यकता है, जैसा व्यावसायिक तौर पे होता है वैसा ही करना है, अपने निजी मतलब उसका बेनिफिट के लिए नहीं करना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सिस्टम, प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र, प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली सिस्टम का जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट व्यावसायिक प्रबंधन है, इज लाइकली, उसकी संभावना है टू हैपन, कि वो घटित होगा विद इन द करेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वर्तमान ऑर्गेनाइजेशनल मतलब होता है संस्थागत, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, ढांचे के अंतर्गत, मतलब जो वर्तमान रूप से ये कह रहे हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो हमने सोचा है कि हेल्थ सिस्टम का होना चाहिए, इज़ अनलाइकली, उसकी संभावना नहीं है कि वो वर्तमान ढांचे के अंतर्गत हो पाएगा, मतलब ढांचे की रूपरेखा बदलनी पड़ेगी, जो हमारे सब सेंटर्स हैं उनके अंतर्गत हम अपने प्रोफेशनल मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है, अनलाइकली है ना, ऐसी संभावना नहीं है। लाइकली टू मतलब संभावना होना, अनलाइकली टू मतलब जिसकी संभावना नहीं है। एज द हेल्थ सेक्टर्स, क्यों जो हेल्थ सेक्टर है इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव सेक्टर, वो क्या है, मनुष्य स्रोत, मानव स्रोत से युक्त, इंटेंसिव मतलब बहुत ही देखभाल करने योग्य, बहुत ही केयरफुल, जिसे हम कहते हैं जहाँ पर बहुत ही केयरफुल एक्शन की ज़रूरत हो, ऐसा इंटेंसिव सेक्टर है, मतलब बहुत मनुष्य स्रोतों से परिपूर्ण बहुत ही देखभाल करने योग्य सेक्टर है, क्षेत्र है, हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं। इट कुड बी ससेप्टिबल, और ससेप्टिबल मतलब ईजिली इन्फ्लुएंस्ड, और ये आसानी से प्रभावित किया जा सकता है टू द पुल्स एंड प्रेशर्स, पुल्स एंड प्रेशर मतलब होता है दबावों से, ऑफ इन्फ्लुएंसर्स मतलब प्रभाव करने वाले, प्रभावित करने वालों के दबावों से, उनके प्रभाव से आसानी से ग्रसित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। ससेप्टिबल का प्रीपोजिशन भी टू होता है, ठीक है, वल्नरेबल टू समथिंग या ससेप्टिबल टू समथिंग, आसानी से ग्रसित होने वाला, आसानी से प्रभावित होने वाला, ठीक है, ये मीनिंग होता है ससेप्टिबल का। इसकी स्पेलिंग भी पूछी जा चुकी है इसलिए इसको भी ध्यान देंगे आप। आगे पढ़ते हैं। देयर इज़ ए नीड, यहाँ एक आवश्यकता है टू इंसुलेट, इंसुलेट होता है प्रोटेक्ट, ठीक है, तो यहाँ एक आवश्यकता है सुरक्षित करने की, सुरक्षा देने की, इट इसको, इट मतलब हेल्थ सेक्टर को, बाय कैसे, डीपॉलिटिसाइजिंग द डिलीवरी सिस्टम, जो प्रदाता तंत्र है उसको डीपॉलिटिसाइज किया जाए, राजनीतिक प्रभाव ना पड़े कुछ इस प्रकार से उसके साथ की, उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो मतलब कहने का इस स्कीम को सुरक्षा दी जा सकती है डीपॉलिटिसाइज करके प्रदाता तंत्र को, ठीक है, प्रदाता तंत्र में राजनीति का कोई प्रभाव ना पड़े इस हिसाब से। फर्दर और आगे, सच एन इंस्टीट्यूशन, इस प्रकार का संस्थान, कौन सा, हेल्थ सेक्टर, नीड्स टू बी, उसको आवश्यकता होगी टू बी एडिक्वेटली रिसोर्स्ड, पर्याप्त रूप से रिसोर्स्ड मतलब उसे स्रोत प्रदान किया जाए। अब देखिए, सच एन इंस्टीट्यूशन सिंगुलर है तो यहाँ नीड के बाद टू प्रीपोजिशन, मैंने कहा था ना जब टू आ जाता है आपका प्रीपोजिशन तो सीधी सी बात है कि वो मॉडल होगा नहीं, और मॉडल नहीं है तभी तो एस लगा है, अगर मॉडल होता तो एस क्यों लगता। अब एग्जाम में क्या बना था कि नीड नॉट है तो वहाँ पर नीड्स नॉट कर दिया था एक बार, तो मॉडल होने के बाद उसमें एस या एस लगा दिया था, और सिंगुलर वर्ब थी, सिंगुलर नाउन था, तो कई लड़कों ने ध्यान नहीं दिया कि सिंगुलर नाउन है, तो सोचा कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे या ऐसे लगना चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नीड वहाँ पर मॉडल की तरह यूज़ हुआ है और मॉडल के साथ कभी भी ऐसे या एस नहीं लगता है, वो चीज़ ध्यान देनी है। तो आप देखो यहाँ पे कि मॉडल है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ऐसे या एस नहीं, वो ऐसे या एस आप लगा सकते हो अगर सिंगुलर है, लेकिन अगर मॉडल है आपका तो फिर ऐसे या एस जबरदस्ती चिपकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कि लगाना ही है ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पे कहा का इंस्टीट्यूशन नीड्स, उसे आवश्यकता होगी टू बी एडिक्वेटली रिसोर्स्ड, कि उसे पर्याप्त रूप से रिसोर्स्ड किया जाए, मतलब रिसोर्सेज प्रदान किए जाएँ, स्रोत प्रदान किए जाए। अप्रोप्रिएटली उचित रूप से, इंसेंटिवाइज्ड मतलब कहने का, इंसेंटिव मतलब होता है प्रोत्साहन, इंसेंटिवाइज्ड का मतलब प्रोत्साहन की दिया जाए, पर्याप्त रूप से स्रोत प्रदान किए जाएँ और पर्याप्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। एंड और हेल्ड अकाउंटेबल, और जिम्मेदार ठहराया जाए फॉर
सर्विस डिलीवरी परफॉर्मेंस, मतलब सेवाओं की प्रदान, सेवा प्रदाता परफॉर्मेंस मतलब कहने का प्रदर्शन के लिए अकेले, और अगर सेवा प्रदान करने में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में थोड़ा ऊपर नीचे होती है तो उसके लिए एकमात्र उसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो इंस्टीट्यूशन को क्या होना चाहिए, पर्याप्त रूप से स्रोत दिए जाने चाहिए, पर्याप्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उसे जिम्मेदार भी ठहराना चाहिए सर्विस डिलीवरी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, जो प्रदर्शन हो रहा है सर्विस डिलीवरी में किस प्रकार का प्रदर्शन दिखाई देता है तो उसके लिए उसे जिम्मेदार भी ठहराना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एंड हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म से इन्होंने डाला है ना, नीड्स टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, एडुकेटली ये तो एडवर्ब डाला है, एडुकेटली वर्ब की थर्ड फॉर्म, अप्रोप्रिएटली फिर से एडवर्ब डाला तो इसका कोई रोल नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए कॉमा करने के बाद यहाँ पर भी आप एडवर्ब डाल सकते थे, नहीं डाला कोई बात नहीं, एंड से वर्ब की थर्ड फॉर्म ही जोड़ा है, यहाँ पर वर्ब की मतलब कहने का फर्स्ट फॉर्म हो जाता या आईजी फॉर्म हो जाता तो गलत हो जाता है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब कॉमा से जुड़ रहा है तो आगे भी वर्ब के थर्ड फॉर्म ही जोड़ना पड़ेगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब इनका बहुत रोल नहीं होता जब ये पर्टिकुलर ही एंड से ना जुड़े हों उस समय, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। हो गया, और फिर आगे पढ़ते हैं, सच एन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इस प्रकार का संस्थागत परिवर्तन विल आल्सो, ये क्या करेगा, ये भी विल आल्सो गिव, देगा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा लचीलापन टू इट्स मैनेजमेंट, इसके प्रबंधन को, इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, सेवाओं के प्रदान करने में। अब ये तो शब्दिक अर्थ हो गया, इसका मीनिंग आप समझेंगे, मतलब इस प्रकार का संस्थान कैसा, जो पुराना ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, जिसे रिसोर्स किया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, इस प्रकार का जो संस्थान होगा वो चेंज, इस प्रकार का संस्थागत परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन अगर किए जाते हैं, विल आल्सो गिव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा, लचीलापन देगा इसके प्रबंधन को, इन डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी सर्विस मतलब सेवा प्रदान करने में। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि नए परिवर्तन में आसानी से ढल जाना, तो अगर इतने सारे परिवर्तन होते हैं तो आसानी से ढलने की मतलब कहने का सिचुएशंस आ जाएंगी, इसके प्रबंधन की, प्रबंधन भी सुचारू रूप से व्यवस्थित हो पाएगा इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, सेवाओं के प्रदान करने में, मतलब आसानी से सारी सिस्टम्स क्लियर हो पाएंगे और अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ठीक है, अ चेंज इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा होता है, तो मतलब कहने का जो सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से, तो जो ढांचे में परिवर्तन है, इज एन इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है, दैट द स्टेट्स नीड टू डील विथ, जो कि राज्यों को डील करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ग्रामर पॉइंट भी है, पहले आप पूरा मीनिंग समझ लीजिए, जो ढांचे में परिवर्तन हो रहा है इस हिसाब से, जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म किए और जो अभी रिफॉर्म्स इन्होंने बताए हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म है, दैट द स्टेट्स नीड टू डील विथ, जिसके से राज्य को डील करने की आवश्यकता है, तालमेल बनाने की आवश्यकता है। अब देखिए डील विथ आया, अभी मैं क्वेश्चंस कुछ करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट में, मैंने उसमें फोकस भी किया आपको, देखिए स्टेट्स नीड टू डील विथ, अब बताइए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सरकार जो राज्यों को आवश्यकता है डील करने की, डील विथ रिफॉर्म्स होगा है ना, और रिफॉर्म इनका ऑब्जेक्ट तो पहले बैठा है, मतलब स्ट्रक्चरल बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म है, तो अब ये इसका ऑब्जेक्ट जो है पहले बैठ गया है, स्टेट्स नीड टू डील विथ इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म, मतलब राज्यों को बहुत मतलब महत्वपूर्ण सुधारों से डील करने की या फिर उनसे तालमेल बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, तो नीड टू मतलब क्या आवश्यकता है, तो डील विथ इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म, तो ये ऑब्जेक्ट अगर आता तो ये डील विथ के बाद आता, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर जैसे कि वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन से जुड़ा है, अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी सेंटेंस के फ्रेमिंग इस प्रकार से करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है, जैसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म तो पहले आ गया, अब जब हमारा जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आता था उस प्रीपोजिशन को हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, उस प्रीपोजिशन को हम नहीं छोड़ सकते, ऑब्जेक्ट हमारा भले ही पहले आ गया लेकिन अगर हम वर्ब को प्रीपोजिशन के साथ उस ऑब्जेक्ट से जोड़ने वाले थे तो हम प्रीपोजिशन तो लिखेंगे ही, ऑब्जेक्ट भले ही ना लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आ गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर चेंज बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म है जिसको राज्यों को आवश्यकता है डील करने की, उससे निपटने की, उसके साथ तालमेल बनाने की, तो डील के बाद विथ प्रीपोजिशन इसीलिए आया है यहाँ पे, क्योंकि रिफॉर्म पहले आया तो प्रीपोजिशन विथ को नहीं खा सकते, ये विथ को तो इन्हें लिखना ही पड़ेगा, और यही क्वेश्चन हमने करवाए थे प्रैक्टिस सेट में, जहाँ पर बार बार समझाने का यही प्रयास किया गया, तो आप जो चीज़ें वहाँ एग्जाम में आपके आ रही है ना, वो रीजन यही है, वो आ कहीं और से नहीं रही, वो यहीं से आ रही है, बस आपको देखने का नजरिया चाहिए और वो हम आपको बराबर सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पे कि किस प्रकार से प्रीपोजिशन आया है, और यही चीज आप वहां पे इंप्लीमेंट करवा रहे थे हम आपसे। ठीक है ना, तो रीजन क्या था, यही था कि ऑब्जेक्ट पहले आया है, तो अगर वर्ब
ऑब्जेक्ट से किसी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन से जुड़ी थी, तो ऑब्जेक्ट भले ही पहले आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रीपोजिशन छोड़ देंगे। प्रीपोजिशन हम लिखते हैं, प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। आगे पढ़ते हैं, इवन आफ्टर दिस रिफॉर्म, इस रिफॉर्म के बावजूद, इस रिफॉर्म के बाद भी सर्टेन डिसीजंस, कुछ निश्चित निर्णय, सच एज जैसे कि दोज वो रिलेटिंग टू बजट, जैसे कि बजट से रिलेटेड निर्णय हो गए, और सर्विसेज, सर्विस डिलीवरी पैकेज और सेवा प्रदान करने में जो पैकेज मिलता है उसकी, उससे संबंधित निर्णय, विल रिमेन इन द पॉलिटिकल रीम, वो तो राजनीतिक क्षेत्र में ही बने रहेंगे। सीधी सी बात है भाई कि इतने सारे चीज़ों को हम पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स से फ्री कर सकते हैं, कैंडिडेट्स की मतलब कहने का नियुक्ति अच्छे से हो पाए, मतलब फ्री ऑफ पॉलिटिक्स हो, है ना, और डॉक्टर भी अवॉइड ना कर सके सर्विसेज देना, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने पीछे गिनाई है ना, बार बार उसे रिकैप करना अच्छा नहीं है। तो उन सारी चीज़ों में क्या है कि डिलीवरी सर्विस पैकेज है आपका, और जो बजट बनाने वाला काम है कि जो बजट बनाया जाएगा, बजट, तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं अभी भी पॉलिटिकल क्षेत्र में रहेंगी, ठीक है। सर्विस पैकेज भी गवर्नमेंट से ही आएगा, उसमें राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, और जो आपका बजट आएगा उसमें भी राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, विच इज़ फाइन, जो कि ठीक भी है, मतलब ये जो इफेक्ट है ये ठीक भी है, होना भी चाहिए। बट लेकिन वंस दोज डिसीजन आर मेड, अगर एक बार ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, द डिलीवरी सिस्टम शुड बी मैनेज्ड प्रोफेशनली, तो डिलीवरी सिस्टम जो है उसको प्रबंधन उसका किया जाना चाहिए प्रोफेशनली, मतलब कहने का बड़े ही व्यावसायिक रूप से, मीन्स कहने का एक बार बजट आ गया, एक बार ये सारी चीज़ें हो गई, तो फिर जो भी सिस्टम से हमारे डिलीवरी सिस्टम्स वो क्या हैं, बहुत ही प्रोफेशनली रूप से मैनेज किए जाने चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है, विल इंक्रीजिंगली बिकम इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूज रिसोर्सेज, ना सिर्फ बड़े ही बड़े पैमाने पर स्रोतों के कारण, इट विल अट्रैक्ट, जिसे कि ये आकर्षित करती है, एज कमिटेड इन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में कमिट किया गया है, वचनबद्धता की गई है, बट आल्सो, बल्कि बिकॉज ऑफ इट्स रोल, इसके भूमिका के कारण भी, इन कंटेनिंग द राइजिंग डिसीज बर्डन, बढ़ रहे बीमारी के जो बोझ है उसको कंटेन करना, मतलब रोकने के लिए, ठीक है। अब देखिए, कंटेन का मतलब मैंने प्रिवेंट क्यों पढ़ा, आप इसका अब ये इतना बड़ा वर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटेंस है, इसको धीरे धीरे समझ में पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा, सिंगल में समझ में नहीं आने वाला। प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र जो है वो मतलब कहने का इंक्रीजिंगली बड़े व्यापक तौर पे महत्वपूर्ण होगा, किस लिए महत्वपूर्ण होगा, अब ये बहुत, अब ये यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि नॉट जस्ट, ना केवल सिर्फ बिकॉज ऑफ ह्यूज रिसोर्सेज इट विल अट्रैक्ट, मतलब कहने का ये जो पॉलिसी हेल्थ केयर है ये सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होगा कि ये बड़े बड़े स्रोतों को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं इसके इन्वॉल्यूशन में, हेल्थ वेल सेंटर्स आ रहे हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स लागू कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा, बट आल्सो, बल्कि और किस लिए होगा, इट्स रोल इन कंटेनिंग द राइजिंग डिसीज बर्डन, की ये बढ़ रहा जो मतलब डिसीज़ का बोझ है, मतलब कहने का बीमारियों का जो बोझ है, बढ़ रही बीमारियां हैं, इसको कंटेन करने में, इसको रोकने में भी इसका बहुत बड़ी भूमिका होगी, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आपको मीनिंग समझ में आया, अब कंटेन का मीनिंग रोकना भी होता है, किसी बीमारी या फिर किसी ऐसी चीज़ को जो तेज़ी से बढ़ रही है और नुकसानदायक है उसको रोकना होता है, कंटेन समथिंग मतलब टू प्रिवेंट समथिंग हार्मफुल फ्रॉम स्प्रेडिंग, किसी चीज़ को बढ़ने से रोकना, तो कंटेन का एक मीनिंग ये भी आपको पता लगा, ठीक है। अब नॉट ओनली बट आल्सो को जरा नॉट जस्ट लिखिए, नॉट आल्सो लिखिए, ठीक है, कोई मतलब नॉट ओनली लिखिए चाहे नॉट जस्ट लिखिए, जस्ट और ओनली एक साइनोनिम होते हैं, इसलिए नॉट और जस्ट और नॉट ओनली लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आया, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसी आ रही, बिकॉज ऑफ के बाद इस प्रकार का पैटर्न आ रहा है, तो बट आल्सो के बाद भी कौन सा पैटर्न आ रहा है, बिकॉज ऑफ वाला पैटर्न आ रहा है, बस यही चीज़ें आपको एग्जाम में करवाता है, जो कि यहाँ पर ये फॉलो कर रहे हैं, इसको बराबर आप मैच करते रहेंगे, जैसे बट आल्सो के बाद बिकॉज ऑफ है, अब एग्जाम में नॉट जस्ट क्या कर दिया, बिकॉज के बाद बिकॉज नॉट जस्ट ऑफ, तो ऐसे डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया, तो इसे उठा के आगे करना पड़ेगा, या फिर बिकम, फिर यहाँ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज, तो इम्पॉर्टेंट के पहले डाल दिया था, उसको उठा करके यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद बट आल्सो के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस हिसाब से फॉलो हो रहा है, जो पैटर्न, वही पैटर्न नॉट जस्ट के बाद फॉलो होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको क्लियरली, स्पष्ट रूप से, इट इज़ अ हाई स्टेक सिचुएशन। हाई स्टेक सिचुएशन क्या होता है, सिचुएशन माने स्थिति, और हाई स्टेक का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचे दांव पर हो, स्टेक माने होता है हिस्सा या फिर दांव पर होना या रिस्क पे होना, ठीक है। तो हाई रिस्क मतलब, हाई स्टेक मतलब हाई रिस्क सिचुएशन है ये, एक बहुत ही हाई रिस्क, बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाली सिचुएशन है, एंड और वी कांट अफोर्ड, हम नहीं झेल सकते हैं, हम नहीं मतलब कहने का बर्दाश्त कर सकते हैं
टू नॉट गेट इट राइट, गेट इट राइट होता है मतलब सही दिशा में होना, और नॉट गेट इट राइट मतलब होना है सही दिशा में ना होना, ठीक है। इसका सही दिशा में ना साबित मतलब सक्सेस होना, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, झेल नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही जटिल स्थिति है, बहुत ही हाई रिस्क सिचुएशन है। तो कुल मिला के कहने का ये बात है कि जो प्लान ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये बहुत ही मतलब क्लियर कट वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस है, और जिसको ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कर भी लेंगे, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो निश्चित रूप से बड़ा ही नुकसान करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हाई रिस्क सिचुएशन भी है, इसका सफल होना ही बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये थे आज का एडिटोरियल, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने वोकैब्स की तरफ जो कि कुछ इसी एडिटोरियल से लिए गए हैं, आई होप आपको पसंद आएंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शाई अवे फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब होता है अवॉइड डूइंग समथिंग, किसी चीज से बचना। एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी, जो आपको ध्यान देना है, इसका मीनिंग जो है एडजेक्टिव के रूप में ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप फॉर समथिंग या ऑफ समथिंग, द फर्स्ट डिजाइन ऑफ समथिंग फ्रॉम विच द फॉर्म आर कॉपीड, मतलब अन्य चीज़ें जो हैं किसी चीज़ से कॉपी की गई हैं, उस जिस चीज़ से कॉपी गई वो पहला डिज़ाइन क्या कहलाता है, प्रोटोटाइप कहलाता है। पहला डिज़ाइन आप बनाएंगे वो प्रोटोटाइप कहलाएगा, उससे सारी चीज़ें फिर कॉपी करके बनाई जाती हैं, ठीक है। तो पहला प्लान क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, उससे फिर कॉपी करके या उसी तरह का कोई प्लान फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को बनाने के लिए कहा गया था, इसीलिए सेंटर के प्लान को प्रोटोटाइप कहा गया था, ठीक है। प्रिजम्पशन क्या होता है, प्रिजम्पशन होता है समथिंग दैट इज थॉट टू बी ट्रू और प्रोबेबल, कुछ मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि थॉट टू बी ट्रू, जो सही मानी जाए और संभावित मानी जाए कि हाँ हो सकती है। प्रीजम्पशन मतलब पहले से ही अनुमान लगा लेना कि हाँ ऐसा हो सकता है। फ्लिम्सी क्या होता है, डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो, काल्पनिक भी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये एग्जाम में आ चुका है, ये फ्लिम्सी भी आ चुका है, प्रिजम्पशन भी आ चुका है, ये प्रोटोटाइप नहीं आया है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ये आ सकता है, तो इसे ध्यान देंगे आप। एम्बिशियस भी आ चुका है और ये साई अवे भी आ चुका है आपका, ठीक है। ससेप्टिबल ये तो कई बार पूछा जा चुका है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा गया है, एंटोनिम्स एनोनिम्स में पूछा गया है, मतलब वैरायटी ऑफ चीज़ों में पूछा जा चुका है। ससेप्टिबल टू भी, इसका प्रीपोजिशन टू भी पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ससेप्टिबल टू समबडी मतलब वेरी लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड और अफेक्टेड बाय समबडी समथिंग, किसी से आसानी से प्रभावित हो जाने वाला या फिर नुकसान हो जाने वाला उसे, या फिर मतलब यही है नेगेटिव रूप से प्रभावित हो जाने वाला वो चीज़। इंटेंसिव क्या होता है, डन विथ अ लॉट ऑफ केयर, बहुत ही सावधानी से किए जाने वाला वो इंटेंसिव होता है, ठीक है। जैसे आईसीयू क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट फुल फॉर्म होता है ना उसका, जिसमें बहुत ही ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है, वो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, उसी हिसाब से इंटेंसिव बनाइए। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी टू सूट न्यू कंडीशन और सिचुएशन, नई स्थितियों एवं दशाओं से तालमेल बनाने वाला वो फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है, ऐसी एबिलिटी जिससे कि आप नई स्थितियों से तालमेल बना पाएं। तो जैसे आप अगर नई स्थितियों से बड़ी आसानी से ढल जाते हो तो मतलब आप भी फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। कंटेन, कंटेन मतलब कंटेन जब वर्ब के रूप में होता है, कंटेन समथिंग मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग हार्मफुल फ्रॉम स्प्रेडिंग और गेटिंग वर्स, किसी हार्मफुल चीज़ को रोकने मतलब रोक देना बढ़ने से या फिर और बदतर होने से, गेटिंग वर्स मतलब बदतर होने से, ठीक है। तो ये इसके आज वो कैप थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एडिटोरियल सिर्फ हमारे पढ़ाने से आपको नहीं होने वाला कंप्लीट, इसलिए बेहतर यही है कि आप कुछ अपने से भी पढ़िए, कुछ अपने से आउटपुट निकालने की कोशिश करिए। जैसे मिला मिला के हमने पढ़ाया, हम डेली बेसिस पे एक एडिटोरियल प्रोवाइड कराते हैं, कई लोगों को शिकायत होती है सर पूरा करवाइए, यार ये पॉसिबल नहीं है कि सारे एडिटोरियल्स पढ़ा पाए हैं ना, और अगर हम एक दिन पढ़ा देंगे और 10 दिन नहीं पढ़ाएंगे तो उसका कोई मतलब रह गया। बेहतर यही है कि एक एक एडिटोरियल पढ़ाया जाए और डेली पढ़ा जाए, है ना। एक एक चीज़ पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे तो वो ज़्यादा काम करेगी। अगर आप एक दिन 10 पढ़ लोगे और पता लगा 10 दिन तक फिर पढ़ोगे ही नहीं, वो सक्सेस नहीं होने वाला, वो काम आएगा नहीं आपके, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा उतना ही कंटिन्यू करिए जितना आप डेली कर पाएं। अगर हम मान लीजिए 4 वीडियो एक दिन दे देंगे और दूसरे दिन 4 दिन के लिए कोई दे ही ना, तो फिर आपको भी लगेगा मतलब क्या रह गया। तो बेहतर ये है कि जो चीज़ चले थोड़ा कंटिन्यू बेसिस पे चले, और नहीं तो फिर चले ही ना, इससे अच्छा है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप पढ़ते रहिए मन लगा करके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।